नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे कैबिनेट विस्तार के बाद जदयू के जयंत राज को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। जयंत राज 35 वर्ष की उम्र में जदयू के कोटे से मंत्री बने हैं। तो आइए अब जानते हैं आखिर कौन से ऐसे काम हैं जयंत राज के पास जिसके कारण उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि सब कुछ एक झटके में नहीं होता, इसके लिए समय देना पड़ता है और एक ऐसी सीढ़ी है जिसे पार करने के बाद आप विधायक और उसके बाद मंत्री बनते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति पहली बार चुनाव मैदान में उतरे और पहली बार ही विधायक बन रहे तो इसके बाद उसे मंत्रिमंडल में भी जगह मिल जाए तो यह आज के ज़माने में किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्योंकि आजकल कई पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी का झंडा ढोते ढोते बूढ़े हो जाते हैं लेकिन पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिलता। इन सब चीज़ों के बीच में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बांका जिले के अमरपुर से विधायक जयंत राज का विधानसभा चुनाव जीतना राजनीतिक इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। वे केवल विधानसभा का चुनाव जीतकर मंत्री ही नहीं बने, इसके साथ ही उन्होंने बांका जिले से सबसे कम उम्र में विधायक बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। उनकी वर्तमान में उम्र मात्र 35 वर्ष है। हालांकि जयंत राज को राजनीतिक विरासत के रूप में मिली है। जयंत राज के पिता जनार्दन मांझी जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे हैं और उन्हें जीत भी मिली है। ऐसे में जयंत राज ने राजनीति को बहुत ही सधा हुआ उपयोग किया। जदयू ने बांका जिले में 5 सीट में एक से सफर शुरू कर 2005 में 3-3 विधायक जीतते रहे। 2020 के चुनाव में भी बेलहर और अमरपुर से उनके 2 विधायक जीते। इससे पहले भूदेव चौधरी, जनार्दन मांझी, गिरधारी यादव, मनीष कुमार, मनोज यादव जदयू से विधायक बन चुके हैं। लेकिन जदयू विधायकों में मंत्री बनने का पहला मौका जयंत राज कुशवाहा को मिला। मंत्रिमंडल में सबसे युवा चेहरे में से एक हैं। उनकी उम्र केवल 35 साल है। इनके पिता जनार्दन मांझी 2 बार अमरपुर और 1 बार बेलहर से विधायक रहे हैं। इस बार उनकी जगह उनके बेटे जयंत राज को अमरपुर से टिकट मिला था और उन्होंने जीत दर्ज की। बता दें कि 2020 विधानसभा चुनाव में अमरपुर विधानसभा में बेहद कम वोट से जीत हासिल कर पाए थे। परिणाम स्वरूप जदयू के जयंत राज ने कांग्रेस के जितेंद्र सिंह को 3114 वोट से मात दी थी। जयंत को 54,308 वोट मिले थे जबकि कांग्रेस के जितेंद्र सिंह को 51,194 मत मिले। इसी सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा के उम्मीदवार मृणाल शेखर को 40,308 वोट मिले जो कि तीसरे स्थान पर रहे थे। जयंत राज के पिता ने भी जदयू से राजनीतिक पारी की शुरुआत की और बेलहर से 1 बार और अमरपुर से 2 बार विधायक बने। बताया तो यह भी जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवा चेहरा को तरजीह देने के लिए जयंत राज को अपने विकल्प के रूप में चुना है। जयंत राज कुशवाहा मूल रूप से वैसी सिंहेश्वरी के रहने वाले हैं। जयंत ने भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज से 2010 में BBA की पढ़ाई की। उनकी स्कूलिंग CND से हुई है। इसी कभी बेहतर मैनेजमेंट के बदौलत अपनी कैरियर खड़ा करने का सपना देख चुके जयंत राज के लिए राजनीति में आना बेहद कम समय में मंत्री बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे ही हस्तियों के बारे में जानने के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।